तो यहाँ पर हमारा सूट का बचा हुआ कपड़ा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। अब हम क्या करेंगे, लंबाई नापेंगे। तो तैयार लंबाई हमारी 16 इंच है, जिसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 17 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने 17 इंच पर निशान लगाया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से आरमोल की लंबाई नापेंगे। तो आरमोल की लंबाई हमें 4.5 इंच रखनी है, तो 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से 1/2 इंच पर आरमोल की गोलाई करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे कमर के लिए, और 7 इंच पर हम हिप के लिए निशान लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 11 इंच है, तो इस तरह से 11 इंच को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और हिप की चौड़ाई भी हम 11 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे। तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है, और इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे। साइड में हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। और नीचे से हमें सीधा निशान लगा देना है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे, और इसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल एक बराबर। और फिर इस तरह से कटिंग करेंगे। साइड में हमें सेम कटिंग कर देना है, और यहाँ पर कट लगाएंगे। आगे वाले पल्ले पर हमने आरमोल की गोलाई 1/2 इंच रखी थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आरमोल की गोलाई 1 इंच रखनी है। तो 1 इंच हमें कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर देखिए हमने 1 इंच आरमोल की गोलाई रखी है। तो इस तरह से हमने आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पर निशान लगाना है 1 या 1.5 इंच पर, नीचे फोल्ड करने के लिए। और बाजू की लंबाई हमारी 3 इंच है, जिसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और बाजू की मोरी हमारी 8 इंच है, तो 8 को आधा करेंगे। तो 4 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से बाजू की गोलाई करेंगे। और बाजू की चौड़ाई हम 5 इंच रखेंगे। तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। दोनों निशान को मिला देंगे, और साइड में हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो हमने बाजू की कटिंग कर दी है। यहाँ पर हमें हल्की सी कटिंग कर देना है, ऐसा हमारा आगे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर कट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे, और दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है।
अब हम क्या करेंगे, गले की पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग ली है, तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और गले की चौड़ाई हमारी 4 इंच है, तो 4 को आधा करेंगे, तो 2 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर हम गले की लंबाई भी 4 इंच रखेंगे, तो इस तरह से निशान लगाएंगे। बॉक्स बनाकर हमें गुलाई कर देना है। अब हम यहाँ पर गले की पट्टी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने गले की पट्टी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमने बुकरम की पट्टी ली है, इसको हमने कपड़े पर पहले से ही चिपका लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद में हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बी सेंटर पर हमें कट लगा देना है। और कट लगाने के बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, एक सीधा इस तरह से निशान लगाना है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें भी हमें सीधी तरफ से बी सेंटर पर निशान लगाना है, ठीक है। तो इसको हम सीधा रखेंगे और यहाँ पर गले की पट्टी रखेंगे। कट और जो हमारा निशान है, इनको इस तरह से बिल्कुल एक बराबर रखना है। और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने गले की पट्टी को सिल लिया है। तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और सेम इसी तरीके से हमने पीछे वाला गला तैयार करा है, ठीक है। तो इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बाजू से लेंगे, तो बाजू में जो हमारा नीचे की तरफ मार्जिन है, तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, तो अब हम इसको सूट में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए और जो हमारा बी सेंटर पर कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखना है, ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है, दोनों बाजू हमारी सिलकर तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 8 इंच है, तो 8 को आधा करेंगे, तो 4 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जो हमारा फिटिंग वाला निशान है, तो उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है, तो अब हम यहाँ पर सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पल्ले में फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, चाक सिल लेते हैं। तो कपड़े को पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से चाक को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी चाक को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी चाक को सिल लिया है और इस तरह से हमने 1 से 2 साल की बच्ची के लिए सूट सिलना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।